सो टुडे वी आर गोइंग टू सी एसक्यूएल। ओके, तो थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ एसक्यूएल के बारे में, एंड देन आई विल जंप टू द प्रैक्टिकल पार्ट। वाई चैप्टर वन हैव कम, आई हैव नॉट ओपन चैप्टर वन, सॉरी गिव मी 1 मिनट। चैप्टर 3, ओके ओके ओके। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो आरडीएमएस है दैट वाज प्रपोज्ड बाय कॉर्ड, और आरडीएमएस के साथ प्रपोज करने के बाद कॉर्ड ने एक फॉर्मल क्वेरी लैंग्वेज भी प्रपोज की, जिसे हम लोग रिलेशनल एल्जेब्रा के नाम से जानते हैं। ओके, वी हैव सीन दैट रिसेंटली। ओके, कि रिलेशनल एल्जेब्रा में हम कैसे डेटा से क्वेरी करते हैं। अगर आपको डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है तो हाउ यू डू दैट। ओके, सो नाउ वी विल सी सम रियल पार्ट। एक्चुअली तो रिलेशनल एल्जेब्रा आपकी फॉर्मल क्वेरी लैंग्वेज है, तो फॉर्मल मीन्स इट इज़ ए पेपर लैंग्वेज। यू कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट इट्स वर्किंग, कि आप जो क्वेरी लिखी है आपने उसका आउटपुट कैसे आएगा, और आप जस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट बाय प्रैक्टिकली और एनी सम प्रैक्टिकल मीन। ओके, सो लेकिन जब प्रैक्टिकली हमें वर्क करना है तो वी रिक्वायर ए लैंग्वेज। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आईबीएम ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, दैट वाज नेम्ड एज सिस्टम आर, एंड सिस्टम आर के एक आउटकम था, उनमें से एक आउटकम था कि दे डेवलप्ड ए लैंग्वेज दैट वर दे नेम्ड एज सीक्वल, बट लेटर इट वाज कॉल्ड एज एसक्यूएल। सो एसक्यूएल जो है ना, इट वाज स्टैंडर्डाइज्ड बाय अंसी इन 1988, एंड देन उस दिन के बाद से एवरी ऑलमोस्ट एवरी डेटाबेस इज सपोर्टिंग एसक्यूएल। जितने भी रिलेशनल डेटाबेस हैं, ऑल रिलेशनल डेटाबेस सपोर्ट्स एसक्यूएल बिकॉज इट हैव बिकम ए स्टैंडर्ड। ओके, लेकिन एक चीज़ और याद रखना है कि जो रिलेशनल डेटाबेसेस हैं वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने डेवलप किए हुए हैं, सो दे डू नॉट कम्प्लीटली फॉलो द एसक्यूएल स्टैंडर्ड। ओके, सो जैसे हम लोग आपकी जो बुक में आपके चैप्टर में जो एसक्यूएल डिस्क्राइब की गई है, दैट एसक्यूएल मे नॉट बी एग्जैक्टली फॉलोड बाय ओरिकल। तो आप देखेंगे कि ओरिकल में कुछ अलग होगा, सिमिलरली हम एसक्यूएल जो है देखेंगे, तो माईस्क्यूएल में अगर हम एसक्यूएल के साथ वर्क करते हैं तो ओरिकल में जो एसक्यूएल यूज हो रही है और माईस्क्यूएल में जो एसक्यूएल यूज हो रही है, दैट आर सम बिट डिफरेंट। ओके, तो एवरी डेटाबेस इज नॉट एग्जैक्टली फॉलोइंग द एसक्यूएल स्टैंडर्ड। जो भी अंसी ने एसक्यूएल का स्टैंडर्ड बनाया था उसे सारे डेटाबेसेस एग्जैक्टली फॉलो नहीं करते हैं। देर आर मे बी सम 9 to 10% और लेस देन और मोर देन दैट वेरिएशंस होंगे। ओके, सो हम लोग चूंकि अपने प्रैक्टिकल के लिए माईस्क्यूएल यूज कर रहे हैं, सो आई थिंक हमें माईस्क्यूएल की ही एसक्यूएल फॉलो करना चाहिए, सो वी विल फॉलो दैट। ओके, तो आप अगर एसक्यूएल को पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन यूज द चैप्टर 3 एंड 4 ऑफ द बुक। मैं जो है ना कोशिश करूंगा कि हम एग्जैक्टली जो है ना माईस्क्यूएल की जो एसक्यूएल है वो फॉलो करें। अगर थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि ये चीज़ माईस्क्यूएल में नहीं है और ये चीज़ एसक्यूएल में है, तो मैं वो आपको उस टाइम पर बता दूंगा। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है कि जो स्टैंडर्ड एसक्यूएल आप पढ़ेंगे तो भी आपकी जो कंप्लीट नॉलेज है वो माईस्क्यूएल में काम नहीं करेगी, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर आप सोचें कि मैं ओरिकल पर काम कर लूँ, ओरिकल की जो एसक्यूएल है वो पढ़ लूँ, तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस माईस्क्यूएल में देखने को मिलेगा, क्योंकि माईस्क्यूएल की एसक्यूएल एग्जैक्टली वैसी नहीं होगी। और ऐसा इसलिए हुआ है कि सारे जो डेटाबेस डेवलपर्स हैं वो एग्जैक्टली एसक्यूएल स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हैं। हालांकि स्टैंडर्ड बनाया गया था इस पर्पज़ से कि उनको सारे डेटाबेस एज इट इज़ फॉलो करें। ओके, बट हर डेटाबेस की अपनी अपनी एक आर्किटेक्चर है, उनके अपने अपने अपना एक थिंकिंग है, अपने एक कस्टमर बेस है, और उनको सर्व करने के लिए उनकी अपनी एक सेट ऑफ पॉलिसीज है,
और अपना उनका बिजनेस डायरेक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग वो सर्टेन एसक्यूएल के फीचर्स को वो या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर उसे अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं या इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं। ओके तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो एसक्यूएल है अलग अलग डेटाबेसेस में थोड़ी सी अलग अलग हो सकती है। ओके सो अगर आप ओरेकल पर काम कर रहे हैं, मैं यहाँ जो क्वेरी बता रहा हूँ, हो सकता है वो क्वेरी ओरेकल पर एज इट इज ना चले, थोड़ा बहुत चेंजेस आपको करना पड़ेंगे, तो उसके लिए आप ओरेकल का मैनुअल कंसल्ट कर सकते हैं। ओके चलिए शुरू करते हैं आप। ओके सो और एसक्यूएल की हिस्ट्री आप बुक में पढ़ सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाऊँगा, मैंने ब्रीफली आपको थोड़ा सा बता दिया। अच्छा एसक्यूएल का जो मैंने बोला कि 1988 में स्टैंडर्डाइजेशन हुआ था, 88 बोला या 86 बोला था, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, 86 में एक्चुअली स्टैंडर्डाइजेशन हुआ था, मे भी हो सकता है मेरे दिमाग में रॉन्ग मेमोरी हो, मैंने 88 आई एम नॉट श्योर कि मैंने अभी 88 बोला या 86 बोला, तो दैट इज़ द 86 इज़ द करेक्ट। नाउ लेट्स सी जो आपकी जो एसक्यूएल है, एसक्यूएल जो लैंग्वेज है उसमें कई पोर्शंस हैं और यू कैन से दैट इट दिस लैंग्वेज हैव सम मॉड्यूल्स ऑफ द क्वेरीज और यू कैन से दैट सम सेट ऑफ कमांड्स आर देयर, दैट सेट ऑफ कमांड्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आई मीन टू से दैट एसक्यूएल को आप कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एसक्यूएल में जो आपके सिंटेक्टिकल क्वेरीज और कमांड्स हैं दे कैन बी डिवाइडेड इन टू डिफरेंट कैटेगरीज। ओके सो जो पहली कैटेगरी है एसक्यूएल की, दैट इज कॉल्ड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके सो एसक्यूएल का एक जो पार्ट है, दैट मीन्स कुछ सेट ऑफ कमांड्स को हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का पार्ट मानते हैं। ओके सो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब है कि इन सेट ऑफ कमांड से हम एसक्यूएल जो आपका जो रिलेशनल डेटाबेस है, जो रिलेशनल डेटाबेस आप डिजाइन करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, उसकी डेफिनेशन आप इन क्वेरीज से क्रिएट कर सकते हैं। ओके सो आपके इसमें जो बेसिकली कमांड है वो है क्रिएट टेबल। ओके क्रिएट जो कमांड है आपकी क्रिएट टेबल है या क्रिएट इंडेक्सेस और जो भी है। सो क्रिएट से जो कमांड्स इशू होती हैं दैट आर इन दिस कैटेगरी, क्रिएट है आपकी, देन ड्रॉप है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर दिस कैटेगरी। ओके सो DDL कमांड जो है इन अल्टर भी है, हाँ हाँ अल्टर भी है, और कौन सा आपने बोला, क्रिएट अल्टर ट्रंकेट, हाँ ट्रंकेट में आप केवल डेटा डिलीट करते हैं, हाँ ट्रंकेट मे बी आपकी स्ट्रक्चर चेंज नहीं करती है, तो मैं उसे ट्रंकेट को इस कैटेगरी में नहीं रखूँगा, लेकिन आपका अल्टर कमांड जो है, अल्टर टेबल कमांड जो है आपका, और क्रिएट टेबल कमांड है, तो क्रिएट टेबल को टेबल ना कहिए, क्रिएट कमांड यू कैन से, क्योंकि क्रिएट टेबल भी हम करते हैं, क्रिएट इंडेक्सेस भी करते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो क्रिएट यूजर्स, वी कैन ऑल्सो क्रिएट डेटाबेस। ओके यूजिंग क्रिएट कमांड, सो जो क्रिएशन जो आप कर रहे हैं दैट इज पार्ट ऑफ DDL। सो जनरली लोग क्रिएट टेबल लिखते हैं, बट क्रिएट आप डेटाबेस भी तो क्रिएट कर रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो क्रिएट डेटाबेस कमांड। ओके सो डेटाबेस के क्रिएशन से जो रिलेटेड कमांड्स हैं दैट कैन बी पार्ट ऑफ DDL। तो DDL में सीधा सीधा मतलब ये है कि जिन कमांड से आप डेटाबेस की स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करते हैं और उसे मॉडिफाई करते हैं, ऑल कमांड्स आर एंड कम्स अंडर दिस कैटेगरी, दैट आर वी कॉल देम DDL कमांड्स। ओके और उस पार्ट को SQL को हम DDL बोलते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज वाली जो कमांड्स हैं ये ऑटो कमिट होती हैं, याद रखना, ठीक है। ऑटो कमिट से मेरा मतलब है, आप लोग हो सकता है ऑटो कमिट का मतलब जानते हो, बट लेट मी टेल यू, ऑटो कमिट मीन्स होता है कि जब आप ये कमांड इशू करेंगे तो इनके जो चेंजेज हैं वो परमानेंट डेटाबेस में हो जाते हैं, दैट मीन्स यू कैन नॉट रिवर्स देम। ओके दीज कमांड्स आर इररिवर्सिबल। ओके सो यू शुड बी वेरी केयरफुल वाइल क्रिएटिंग दीज कमांड्स, वाइल इशूइंग दीज कमांड्स। ओके और ये भी याद रखना है आपको, इन कमांड्स को इशू करने के लिए प्रिविलेज रिक्वायर्ड होती हैं। ओके ऐसा नहीं है कि कोई भी यूजर इन कमांड्स को इशू कर सकता है, अप्रोप्रिएट प्रिविलेज नीड टू बी गिवन टू ए यूजर, अगर आप चाहते हैं कि वो यूजर इन कमांड्स को इशू कर पाए। ओके देन देर आर सम क्वेरीज, इसमें आपकी स्लाइड्स में नहीं दिया हुआ है, कुछ और कमांड्स हैं जिसे हम
बोलते हैं डेटा मैनुपलेशन लैंग्वेज। तो एसक्यूएल का एक और पार्ट है जिसे हम बोलते हैं डेटा मैनुपलेशन लैंग्वेज, DML। ओके, सो DML में आपका आता है इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। ठीक है, तीन कमांड्स आपकी DML में आती हैं। और DML कमांड से आप डेटाबेस को मैनुपलेट करते हैं। मैनुपलेट का मतलब आप उसमें नई इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सो दैट इज दैट पार्ट ऑफ SQL इज कॉल्ड DML, डेटा मैनुपलेशन लैंग्वेज पार्ट। एक और पार्ट है दैट इज कॉल्ड DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। सो उसमें आपकी एक ही क्वेरी होती है सेलेक्ट, और आपको मालूम है सेलेक्ट क्वेरी को हम वेरियस तरीके से इशू कर सकते हैं। तो DQL इज़ द पार्ट ऑफ SQL जिसकी मदद से आप डेटाबेस में जो स्टोर्ड डेटा है उसे रिट्रीव कर सकते हैं और यू कैन से क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, देन देर इज़ अनदर पार्ट DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। उसमें हम यूजर्स की प्रिवलेज असाइन करना, यूजर को उसके प्रिवलेज को मॉडिफाई करना, ये सब काम करते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ओके, सो DCL की कमांड्स अलग हैं, वी विल गो वी विल सी देम लेटर। ओके, सो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, वो है डेटा टाइप्स इन SQL। सो पहले मैं SQL के जो ब्रॉडली जो डेटा टाइप है आपके SQL स्टैंडर्ड के वो बता देता हूँ, फिर हम जंप करके वापस आएंगे कि MySQL ने उन डेटा टाइप्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया है। ओके, सो जो SQL स्टैंडर्ड है वो कहता है कि डेटा टाइप्स कुछ इस तरीके से होना चाहिए। पहला डेटा टाइप उन्होंने डिफाइन किया कैर और एन। सो कैर का मतलब है कैरेक्टर। ओके, कैरेक्टर का शॉर्ट फॉर्म है कैर, एंड एन का मतलब है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो कैर एन डेटा टाइप से आप जो है एक कॉलम डिफाइन कर सकते हैं जिसमें कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज आएंगे। दैट मीन्स यू कैन स्टोर स्ट्रिंग्स इन ए कॉलम। अगर आप एक कॉलम बना रहे हैं, मान लीजिए टेबल डिफाइन करते समय, और उस कॉलम का डेटा टाइप आपने डिफाइन कर दिया कैर और ब्रैकेट में लिख दिया 4, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें फिक्स लेंथ स्ट्रिंग 4 लेंथ की स्टोर हो सकती हैं। 4 से ज़्यादा की आप स्टोर करने की कोशिश करेंगे देन आइदर योर स्ट्रिंग मे बी ट्रंकेटेड और यू मे गेट सम एरर मैसेज। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ डेटाबेस इम्प्लीमेंट दिस फीचर। ठीक है, जनरली डेटाबेसेस एरर रिपोर्ट करते हैं आपको अगर आप उस लिमिट से ज़्यादा की स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन डेटाबेस वो क्या चॉइस लेकर के चलते हैं। ओके, सो ये जो कैरेक्टर एन है, कैर एन है, दैट इज दिस इज स्टोर्ड यूज टू स्टोर फिक्स लेंथ स्ट्रिंग। नाउ फिक्स लेंथ स्ट्रिंग से मेरा मतलब है कि अगर मान लीजिए आपने एक कॉलम बनाया, उसकी लेंथ फिक्स की 8 कैरेक्टर की, आपने लिखा लेट्स से स्टूडेंट नेम कैर 8। ठीक है, तो अब स्टूडेंट नेम जो कॉलम है उसमें 8 कैरेक्टर से ज़्यादा की स्ट्रिंग लेंथ की स्ट्रिंग स्टोर नहीं होगी। ओके, नाउ ये जो स्ट्रिंग है ये फिक्स लेंथ की स्ट्रिंग है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 8 से कम लेंथ की स्ट्रिंग इनपुट करेंगे तो वो एक्सेप्ट तो कर लेगा डेटाबेस, लेकिन व्हाट इट विल डू, जो कम जितना स्पेस बच रहा है, जैसे मान लीजिए आपने एक स्ट्रिंग इनपुट की स्टूडेंट कॉलम नेम में जिसकी लेंथ 5 है, और आपको मालूम है कि आपने लेंथ स्पेसिफाई की है 8, तो क्या करेगा डेटाबेस, तीन जो है ना स्पेसेस फिल कर देगा सो दैट लेंथ विल बिकम एग्जैक्टली 8। ओके, सो फिक्स लेंथ स्ट्रिंग मैं जो है ना लेंथ जो है ना आपने फिक्स कर दिया, उतनी ही लेंथ की स्ट्रिंग हमेशा स्टोर होगी। आप कम लेंथ की स्ट्रिंग देंगे तो डेटाबेस क्या करेगा, उस लेंथ को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, अगर ज़्यादा लेंथ की स्ट्रिंग देंगे तो वो उसे ट्रंकेट करके स्मॉल कर सकता है, तो इसमें आपका डेटा लॉस होगा। तो कई डेटाबेसेस ये परमिशन नहीं देते आपको कि वो डेटा लॉस हो, तो इट डिपेंड्स ऑन द डेटाबेस कि वो परमिशन देना चाहे ना देना चाहे। क्योंकि अगर आप वो अलाउ करते हैं कि नहीं आपकी स्ट्रिंग ट्रंकेट हो सकती है, देन यू कैन डू दैट, इफ दे डू नॉट अलाउ यू कैन नॉट डू दैट। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि अगर आप स्ट्रिंग ट्रंकेशन की परमिशन देते हैं, मान लीजिए कोई डेटाबेस स्ट्रिंग ट्रंकेट करके स्टोर करने की परमिशन देता है, तो उसमें क्या होगा, आपका इन्फॉर्मेशन लॉस हो रहा है। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन लॉस प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, सो दैट्स वाई इट्स शुड नॉट बी अलाउड। ओके, सो फिक्स लेंथ स्ट्रिंग का ये प्रोज एंड कॉन्स है। ठीक है, नाउ फिक्स लेंथ स्ट्रिंग का एक फ़ायदा ये होता है कि जब आप इसे डेटाबेस में स्टोर करते हैं तो इस कॉलम में सर्चिंग ईजी होती है। ओके, क्योंकि आपका अगर जो आपको मालूम है कि वैन नेक्स्ट इनपुट विल बी देयर, वैन नेक्स्ट इनपुट विल देयर, सो आप डायरेक्टली स्ट्रिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर एक लेंथ की आपने आपने लेट्स से 10 स्ट्रिंग्स स्टोर कर ली हैं और हर स्ट्रिंग की लेंथ 8 है,
तो आपसे कहा जाएगा कि आप सेकेंड स्ट्रिंग रिट्रीव करिए, तो यू कैन जस्ट मैथमेटिकली कंप्यूट द एड्रेस ऑफ द सेकेंड स्ट्रिंग। ओके, जिन्होंने एरे पढ़ा होगा वो लोग समझते हैं, है ना। तो फिक्स लेंथ करने से फ़ायदा क्या होता है कि आप किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ आसानी से कंप्यूट करके उस पर डायरेक्टली जंप करके जा सकते हैं। लेकिन जब स्ट्रिंग्स आपकी वेरिएबल लेंथ अगर हैं, मान लीजिए आपने एक सीक्वेंस में स्ट्रिंग्स स्टोर कर ली हैं कंटिन्यूसली, तो अगर स्ट्रिंग्स की लेंथ वेरिएबल है तो किसी स्ट्रिंग की लेंथ 5 है, किसी की स्ट्रिंग की लेंथ 7 है, किसी की लेंथ 2 है, किसी की 5 है, किसी की 10 है, किसी की 12 है, सपोज दैट। और ऐसे ही स्ट्रिंग्स एक एक करके कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस पर स्टोर हैं। तो अब नाउ इस केस में आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि अगर आपको थर्ड स्ट्रिंग को एक्सेस करना है तो यू कैन नॉट डेवलप ए फार्मूला। सो आप डायरेक्टली उस फार्मूले पर को यूज करते हुए डायरेक्ट एड्रेस कंप्यूट कर लें थर्ड स्ट्रिंग का। ओके, सो वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग का एक ड्रॉबैक ये भी होता है। सो जो अगला डेटा टाइप है जो कि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग, जिसे हम वेरकैर से क्रिएट करते हैं। सो वेरकैर ब्रैकेट में एन, यहाँ पर एन क्या बताता है कि आपके स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी। ओके, सो यू आर अलाउड टू फिक्स दिस एन। ओके, सो जब आप एन लेंथ फिक्स कर देंगे तो उससे ज़्यादा लेंथ की स्ट्रिंग नहीं जाएगी स्टोर होगी डेटाबेस में। हाँ, कम लेंथ की आप स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। नाउ वेरिएबल और फिक्स लेंथ में डिफरेंस क्या हो गया, जब आप वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग किसी कॉलम के लिए वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग डिफाइन कर देते हैं डेटा टाइप के तौर पर, तो क्या होता है कि आप अगर कम लेंथ की भी स्ट्रिंग इनपुट कर रहे हैं तो जितनी स्ट्रिंग लेंथ की आप जितनी लेंथ की स्ट्रिंग आप दे रहे हैं उतना ही स्पेस वो है लिया जाएगा मेमोरी में, उससे ज़्यादा स्पेस यूज नहीं होगा, कोई एडिशनल स्पेसेस या एडिशनल कैरेक्टर फिल्ड नहीं किए जाएंगे जो कि फिक्स लेंथ में किए जाते हैं। ओके, सो ये दोनों में डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। तीसरा डेटा टाइप जो एसक्यूएल में है वो है इंटीजर, जिसे हम इंट से रिप्रेजेंट करते हैं एसक्यूएल में। सो इंटीजर वैल्यू मतलब इंटीजर का मतलब आप सब लोग जानते हैं, दैट मीन्स आप अगर किसी डेटा कॉलम का डेटा टाइप इंट डिफाइन कर देंगे तो आप उसमें इंटीजर वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। नाउ इंटीजर वेरियस टाइप के अलाउड हैं एसक्यूएल में भी। स्मॉल इंट मतलब जब आपके नंबर की रेंज छोटी हो तो आप स्मॉल इंट इस्तेमाल कर सकते हैं। देन मीडियम इंट इज ऑल्सो देयर, मीडियम इंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा रेंज का साइज हो, ज़्यादा साइज होगा नंबर का। लार्ज इंटीजर स्टोर करना हो तो उसके लिए लार्ज इंट का ऑप्शन है। तो एसक्यूएल में आप वेरिएबल लेंथ के वेरिएबल साइज के स्ट्रिंग्स सॉरी इंटीजर नंबर्स को स्टोर करने के लिए आपके पास इंटीजर डेटा टाइप्स हैं। वी विल सी दैट इन MySQL इनके एग्जांपल्स के तौर पर। ओके, सो जनरली इनकी जो लेंथ है वो मशीन डिपेंडेंट होती है, जैसे आपने कंपाइलर में भी देखा होगा या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी किसी ने पढ़ी हो तो आपको मालूम होगा कि इंटीजर जो डेटा टाइप है, विंडोज में टर्बो सी पर आप काम कर रहे हैं तो डेटा टाइप का साइज अलग होता है, अगर आप वही GCC में काम कर रहे हैं तो इंटीजर का नॉर्मल इंटीजर का साइज 4 byte होता है, विंडोज में स्पेशली टर्बो सी में 2 byte होता है। तो दैट इज मशीन डिपेंडेंट। देन एक और डेटा टाइप है अगला न्यूमेरिक, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिक, इसे हम बोलते हैं फिक्स पॉइंट नंबर। तो इसमें जो डेसिमल पोजीशन है जो उसकी पोजीशन फिक्स होती है, दैट इज कॉल्ड फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के बारे में फर्दर एक्सप्लोर करना है तो यू कैन गो टू द इंटरनेट, या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर जिन्होंने पढ़ा है दे मे बी नोइंग फिक्स पॉइंट और फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन क्या होते हैं। ओके, वैसे भी आपने जाना, आप लोग जानते हैं फिक्स पॉइंट नोटेशन और फ्लोटिंग पॉइंट का नोटेशन का क्या मतलब है। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब होता है साइंटिफिक नोटेशन, जिसमें आप e^-e, 10^-e और इस सब इस तरीके से नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। तो कंप्यूटर्स में इन तरीके के नंबर्स को स्टोर करने के लिए वे दो तरीके के मैकेनिज्म है, फिक्स पॉइंट नंबर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं। तो न्यूमेरिक p, d, इससे आप अगर आपको रियल वैल्यूज स्टोर करनी है तो यू कैन चूज दिस डेटा टाइप न्यूमेरिक p, d। तो ये फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इसमें इस्तेमाल होता है। p आपको बताता है कि व्हाट विल बी द प्रिसीजन ऑफ द नंबर। तो प्रिसीजन से मतलब होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। तो ये p आप स्पेसिफाई कर सकते हैं और d विल टेल यू हाउ मैनी डेसिमल टोटल डिजिट्स विल बी देयर। ठीक है, नाउ दूसरा जो डेटा टाइप है रियल जो डेटा टाइप है ये डबल प्रिसीजन होता है। डबल प्रिसीजन मतलब ज़्यादा प्रिसीजन आप यूज कर सकते हैं इसमें डेसिमल पॉइंट से बाद। तो आपको जब मान लीजिए बहुत स्मॉल नंबर्स या बहुत लार्ज नंबर्स स्टोर करने हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट्स की जो वैल्यू है ज़्यादा प्रिसीजन आपको रिक्वायर्ड है, तो आप रियल या डबल प्रिसीजन वाले डेटा टाइप के साथ जा सकते हैं। ओके, सो ये सब आपके जो है
रियल नंबर्स के लिए डेटा टाइप है, हम इनको MySQL में डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ने का कोई खास फायदा नहीं है। सो लेट्स कम बैक टू द MySQL कि MySQL में ये डेटा टाइप कैसे हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ न्यूमेरिक डेटा टाइप। तो वेयर आर द स्ट्रिंग डेटा टाइप। चलिए सो सबसे पहले जो डेटा टाइप आपको MySQL में देखने को मिलेगा, जो स्मॉल डेटा टाइप है, हालांकि बहुत आप रेयरली यूज करेंगे, दैट इज बिट, BIT, बिट। आप जानते हैं बाइनरी जो डिजिट होता है 1 और 0 डिजिट्स हैं, इनको हम बिट बोलते हैं। तो अगर आपको अगर बिट टाइप का डेटा स्टोर करना है तो आपके पास डेटा टाइप है बिट m। यहाँ पर m क्या है, आप लेंथ बता रहे हैं कि हम कितने बिट की लेंथ स्ट्रिंग जो है ना स्टोर करेंगे, या आप कितने बिट का नंबर स्टोर करेंगे। ठीक है, सो m इंडिकेट्स, ओके या मैंने स्मॉल लिखा है या कैपिटल लिख रहा हूँ, सो दैट शुड बी स्मॉल m। m इंडिकेट्स द नंबर ऑफ बिट्स पर वैल्यू, तो आपकी जो वैल्यू स्टोर करोगे उसमें कितनी बिट मैक्सिमम आप रख सकते हैं। सो रेंज है आपकी 1 to 64। ठीक है, सो जो आपका नंबर है आप उसकी बाइनरी में लेंथ फिक्स कर रहे हैं कि इसमें जो नंबर स्टोर होगा उसकी बाइनरी लेंथ क्या होगी। 1 बिट हो सकती है, 2 बिट हो सकती है, 3 बिट हो सकती है, और यू कैन गो अप टू 64। डिफॉल्ट आप कुछ भी नहीं देते, सिंपली बिट लिख देते हैं किसी कॉलम के डेटा टाइप के आगे, तो वो 1 बिट का लेंथ लेगा। ठीक है, यू कैन स्टोर 1 बिट। सो फॉर एग्जाम्पल इसका हम यूज कहाँ कर सकते हैं, जैसे आपको एक कॉलम बनाना है उसमें जेंडर स्टोर करना है आपको, तो एक तो आप जेंडर को स्ट्रिंग के फॉर्म में यूज करिए या फिर बाइनरी फॉर्म में लिखिए मेल फीमेल। तो लेट्स से यू अज्यूम 1 is male, 0 is female, फॉर मेल के लिए आप 1 स्टोर कर रहे हैं, फीमेल के लिए 0 कर रहे हैं, या वाइस वर्सा। ओके सो इस टाइप की वैल्यूज आपको स्टोर करनी हो तो आप इस कॉलम का यूज कर सकते हैं, सॉरी इस डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि बहुत रेयरली हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, बाकी के पर्पज बाकी के डेटा टाइप्स हैं उससे हमारा काम हो जाता है। नाउ एक और डेटा टाइप है, नेक्स्ट जो डेटा टाइप है दैट इज टिनी इंट एम। यहाँ पर एम का मतलब लेंथ से है, ठीक है, डिस्प्ले लेंथ एम कितने का अलाउड है। सो जो टिनी इंट है इसमें आपका जो रेंज है नंबर की वो है -128 से 127। ओके सो अगर आपको मान लीजिए एक कॉलम ऐसा है जिसमें आपको मालूम है कि जो नंबर्स आपके हैं वो इस रेंज के बीच रहेंगे -128 से +127, तो आप इस डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कॉलम को डिफाइन करने में। ओके अगर आपको मालूम है कि मेरे कॉलम में बहुत स्मॉल वैल्यूज आने वाली हैं और सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगे, तो आप इसके इसके ये कॉलम डिफाइन करते समय अनसाइंड कीवर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो अनसाइंड जब कीवर्ड आप इस्तेमाल करेंगे, वी विल सी दैट कैसे स्पेसिफाई करते हैं सब चीज़ें। तो अनसाइंड कीवर्ड आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि अब नेगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं होगी। तो आपको मालूम होगा कि जब हम नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 बिट साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है कि प्लस है नंबर या माइनस है। तो 1 बिट कम होने की वजह से आपकी रेंज कम हो जाती है, लेकिन वही 1 बिट आप नंबर्स के लिए डेडिकेट कर देते हैं, वो आपको नंबर का साइन नहीं दिखाना है, क्योंकि आपको मालूम है कि नंबर मेरा पॉजिटिव है, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव है, तो आपकी रेंज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अब आपके पास 8 बिट अवेलेबल हैं तो आपका जो नंबर्स हैं 0 से 255 हो जाएंगे, दैट मीन्स आपकी रेंज बढ़ जाएगी। तो अगर आपको मालूम है कि मैं एक कॉलम में 0 से 255 के बीच में ही पॉजिटिव नंबर स्टोर करने वाला हूँ, तो आप इसके साथ टिनी इंट के साथ अनसाइंड लगा करके डिफाइन कर सकते हैं। ओके यहाँ पर ये जो एम है ये ऑप्शनल है, आप एम को चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन एम सिर्फ आपके एक डिस्प्ले के लिए काम आता है कि आपका जो नंबर है वो कितने लेंथ में डिस्प्ले होगा। ठीक है, कितने डिजिट्स में, तो मैक्सिमम इसमें 3 डिजिट्स ही हैं, तो 3 डिजिट्स में 1, 2, 3 आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये रेंज को अफेक्ट नहीं करता, आप 2 लिखेंगे तो तब भी इसकी रेंज वही रहेगी, एम की वैल्यू 3 रखेंगे तब भी रेंज वही रहेगी। एम सिर्फ आपको बताएगा कि जब आप आउटपुट के तौर पर कॉलम को दिखाते हैं ना, तो वो फॉर्मेटिंग में काम आएगा। ठीक है, वो हम ये अगर आपको अभी ये चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो देन वी विल सी व्हाइल वी आर वर्किंग विद द डेटाबेस। देन देयर इज वन मोर डेटा टाइप, बूल और बूलियन। ठीक है, तो आप शॉर्ट में बूल इस्तेमाल लिख सकते हैं या पूरा बूलियन भी लिख सकते हैं। तो जनरली हम पूरा लॉन्ग टाइप करने से बचते हैं, क्योंकि उसमें टाइपोज होने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम छोटी फॉर्म बूल इस्तेमाल करें। सो बूल जो है किस लिए यूज होता है, आपको अगर ट्रू और फॉल्स वैल्यू इस्तेमाल करनी है, बूलियन वैल्यू स्टोर करनी है, तो आप इस डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आपको मालूम है कि मेरे कॉलम में ट्रू और फॉल्स टाइप की वैल्यू जाने वाली हैं, तो आप बूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
हालांकि ध्यान रखना कि आप कॉलम में ट्रू या फॉल्स एंटर करेंगे, जब आप डेटा फिलअप करेंगे ना इस कॉलम में एंटर कराएंगे, तो या तो आप ट्रू इंसर्ट कराते हैं या फॉल्स एंटर कराएंगे। लेकिन जब आप ट्रू और फॉल्स लिखते हैं तो अल्टीमेटली MySQL क्या करेगा, ट्रांसलेट करके इनको वन और जीरो में ही कन्वर्ट कर देता है। दैट मीन्स आपका जीरो फॉल्स आप एंटर कराएंगे तो वो जीरो स्टोर कर लेता है, आप ट्रू एंटर कराएंगे तो वो ट्रू नहीं लिख के स्टोर करेगा, इट विल जस्ट स्टोर वन। ठीक है, तो वो आपको बिट्स में मैप कर देता है आपके इनको जो बूलियन वैल्यूज हैं। ओके, सो ट्रू विल बी मैप टू वन एंड फॉल्स विल बी मैप टू जीरो। सो आप कह सकते हैं कि ये जो है ना टिनी इंट वन के जैसा हो गया, वन लेंथ का है ना इसलिए, या ये कहिए बिट वन के बराबर हो गया, बिट वन के जैसा हो गया। ओके, नाउ देयर इज वन मोर डेटा टाइप, दैट इज स्मॉल इंट। सो स्मॉल इंट में जैसे आपको टिनी इंट की रेंज से काम नहीं चल रहा है, आपको जो कॉलम है उसमें जो वैल्यूज हैं उनकी रेंज थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, तो आप स्मॉल इंट के को यूज कर सकते हैं अपने कॉलम को डिफाइन करते समय। तो जब आप स्मॉल इंट इस्तेमाल करेंगे तो आपकी रेंज रहेगी, अगर आप नेगेटिव नंबर्स भी अलाउ कर रहे हैं तो दिस वन -32,668 से लेकर के 32,667 तक आपकी रेंज रहेगी। एंड ओबियसली अगर आप इसके साथ में अनसाइंड कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं कॉलम डिफाइन करते समय, तो रेंज डबल हो जाएगी, क्योंकि जो साइन वाली बिट है वो फ्री हो जाएगी और रेंज आपकी जीरो से लेकर के ये हो जाएगी। ठीक है, सो इट विल डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या ज़रूरत है। तो आपको ज़रूरत है तो आप इसे एज इट इज यूज़ कर लीजिए, अगर आप चाह आपको मालूम है कि नहीं मेरे कॉलम में नेगेटिव वैल्यू आनी नहीं है तो आप अनसाइंड लगा लीजिए। ओके, नाउ कुछ और वेरिएशंस है अभी, क्योंकि अगर आपको इनसे भी बड़े लार्ज इंटीजर नंबर से स्टोर करना हो, देन आपके पास एक और ऑप्शन है मीडियम इंट। ओके, तो मीडियम इंट आपका लगभग मीडियम साइज का इंटीजर है, सो रेंज आपकी ये है। ओके, यू कैन रीड आउट लेटर। एंड अगर आपको अनसाइंड इसमें नंबर स्टोर करना है, आपको मालूम है कि पॉजिटिव नंबर रहेगा मेरा हमेशा जीरो से बड़ा है, तो आपकी रेंज बढ़ जाएगी अगर आप इसके सामने अनसाइंड कीवर्ड लगा देंगे डिफाइन करते समय। ठीक है, नाउ दिस इज इंट जो आप बाय डिफॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, मीडियम इंट। सो इंट या इंटीजर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नॉर्मल साइज इंटीजर है और इसकी रेंज आपकी यहाँ से यहाँ तक है, काफ़ी लार्ज नंबर है। और अगर आप अनसाइंड कीवर्ड लगा देंगे देन रेंज विल बिकम दिस वन। ओके, अब नाउ यू कैन सी दैट दिस इज़ वेरी लार्ज नंबर, बहुत बड़ा नंबर है और आपकी ज़्यादातर नीड सेटिस्फाइड हो जाएंगी। बट अगर सपोज आपको साइंटिफिक डेटा स्टोर करना है, तो साइंटिफिक डेटा लाइक दो क्या कहते हैं आपको एस्ट्रोनॉमिकल डेटा स्टोर करना है, समथिंग दो प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस स्टोर करना है, और आप अज्यूम कर रहे हैं कि वो इंटीजर है, आप उसे प्रिसीजन में नहीं रखना चाहते। ओके, तो आपको एक लार्ज इंटीजर की अगर समहाउ किसी एप्लीकेशन में ज़रूरत है, देन यू कैन गो फॉर बिग इंट। ठीक है, तो बिग इंट की आप देख सकते हैं रेंज काफ़ी बड़ी है, यू कैन हैव अ वेरी लार्ज नंबर इन दिस रेंज। अगर आपको मालूम है मेरा नंबर पॉजिटिव है तो आप इसके सामने अनसाइंड कीवर्ड लगा सकते हैं, तो आपकी रेंज ये हो जाएगी। ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट MySQL जो है आपको बहुत सारे इंटीजर न्यूमेरिक डेटा टाइप इंटीजर फॉर्मेट के ऑफर कर रहा है। सो आपके पास वेराइटीज है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो ऑप्शन आपको सूट करेगा डेटाबेस डिजाइन के टाइम पर आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सो एज ए डेटाबेस डिजाइनर इट इज़ योर ड्यूटी कि आपको कौन सा प्रॉपर डेटा टाइप चूज करना है। सो प्रॉपर डेटा टाइप सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो डेटा टाइप का कम से कम स्टोरेज लगे, अननेसरी आपको ज़्यादा स्टोरेज लेने की जरूरत नहीं है। ओके, सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल सेलेक्टिंग ए डेटा टाइप फॉर योर कॉलम। अननेसरी मान लीजिए आपने इंट सेलेक्ट कर लिया या बिग इंट सेलेक्ट कर लिया और आपको मालूम है कि हम तो 0 से 255 की वैल्यू स्टोर करने वाले हैं, उसमें उससे ज़्यादा आनी ही नहीं है, तो क्यों आप बिग इंट या इंट पर जाएंगे या मीडियम इंट पर जाएंगे, आप टिनी इंट इस्तेमाल करो, है ना। सो प्रॉपर रेंज के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है, सो ये आपके स्पेस को बचाएगा, स्टोरेज को बचाएगा। ओके, सो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, जो ऑप्शन आपको सूट करेगा यू कैन यूज दैट ऑप्शन। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ इंटीजर नंबर्स इन MySQL। ओके, ये टेबल्स में सब समराइज है, यू कैन सी दिस थिंग डेटा। नाउ अब आ जाते हैं अदर न्यूमेरिक टाइप। सो एक और है आपका डेटा टाइप, दैट इज डेसिमल, और उसमें दो चीज़ें आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, एम कॉमा डी। सो ये एक आपका नंबर है जो फिक्स पॉइंट नंबर के तौर पर स्टोर होता है, जैसे मैंने वहाँ बताया था अभी MySQL में कि वहाँ न्यूमेरिक पी कॉमा डी था, तो वही वाला टाइप का डेटा है। डेसिमल नंबर आपको अगर स्टोर करना है
तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सो इसमें फिक्स पॉइंट नंबर, फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इंटरनली इस्तेमाल होता है, और एम इसमें है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, कि आप नंबर में कितने डिजिट्स इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एंड डी बताता है, डी हालांकि इसमें ऑप्शनल है, सो अगर आप इसी डेटा टाइप से आप इंटीजर को भी स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हो उस डेटा टाइप को। ओके इस डेटा टाइप से आप इंटीजर नंबर को भी स्टोर कर सकते हो, अकेला एम स्पेसिफाई कर दो। लेट्स से आप कहते हैं कि मेरे इंटीजर मैक्सिमम इंटीजर मेरा 10 डिजिट का हो सकता है, तो आप एम की जगह पर 10 लिख सकते हैं। ओके सो यू कैन यूज दिस डेटा टाइप फॉर इंटीजर एज वेल, ऑप्शन है आपके पास, लेकिन जनरली हमारे पास वो डेटा टाइप ऑलरेडी है तो हम इसके साथ कम ही जाते हैं, बट इफ़ यू वांट यू कैन यूज दैट। दिस इज वन फ्लेक्सिबिलिटी यू हैव बीन ऑफर्ड बाय MySQL। ओके नाउ अगर आपको एक नंबर स्टोर करना है जिसमें डेसिमल के बाद भी डिजिट्स हैं, मतलब डेसिमल पॉइंट्स के बाद भी डिजिट्स हैं, तो आप फिर कॉमा लगा के डी में भी लेंथ बता दीजिए। सो आपको डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स अलाउ करते हैं वो आप यहाँ बता सकते हैं। तो एम की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 65 हो सकती है, और डी की मैक्सिमम वैल्यू 30 हो सकती है। डिफ़ॉल्ट डी 0 है और एम की वैल्यू 10 है, आप नहीं बताएंगे तो वो डिफ़ॉल्ट एम की वैल्यू 10 ले लेता है। तो आप सिर्फ डेसिमल भी लिख सकते हैं, लेट्स से आपने एक डेटा टाइप बनाया डेसिमल सैलरी, सिर्फ सैलरी लिख दिया, सैलरी डेसिमल, सॉरी डेसिमल बाद में लगाया जाता है, सैलरी डेसिमल, तो इसका मतलब आपके सैलरी कॉलम में डेसिमल नंबर अलाउड है, और चूंकि आपने डी कुछ नहीं बताया है तो उसने इंटीजर वैल्यू ले लिया है, सो दैट मीन्स 10 डिजिट का आप नंबर उसमें स्टोर कर सकते हैं मैक्सिमम। ओके सो यू कैन सी दैट यू हैव लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, और आप डेटा टाइप्स को अलग अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। ओके नाउ इसमें साइन के लिए कोई अलग से बिट काउंट नहीं होती है, सो आपके ये नहीं सोचना है कि आपको नेगेटिव नंबर के लिए एक अलग से बिट लगती है तो यू आप वो सोचने लग जाएं। जो आप देंगे वो जितना भी डिजिट्स देंगे, जैसे आपने एम की वैल्यू 6 लिखी, मतलब 6 डिजिट का नंबर आपके आ सकता है। माइनस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। माइनस के लिए कोई अलग से बिट रिक्वायर्ड नहीं होती है, वो काउंटिंग नहीं करता है। नाउ दूसरा एक और डेटा टाइप आपके पास है फ्लोट MD, तो ये है आपका सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपको स्टोर करना है, तो फ्लोट डेटा टाइप अवेलेबल है, और ये आपकी रेंज है इसमें, ठीक है। परमिशन वैल्यू इस रेंज में है, ठीक है। एम और डी का वही मीनिंग है, इंटीजर के डिजिट्स कितने होंगे, डेसिमल डिजिट कितने होंगे। ओके और जो सिंगल डिजिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है वो 7 डेसिमल के 7 आफ्टर 7 डिजिट तक एग्जैक्टली आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो इसमें। सो इसका प्रिसीजन थोड़ा सा बहुत मतलब कम एक्यूरेट होता है, दैट मीन्स 7 डिजिट तक का डेसिमल नंबर आप दे रहे हैं तो ये उसे एक्यूरेटली स्टोर कर लेता है, अदरवाइज आपका कुछ इससे ज़्यादा का नंबर आप इसमें स्टोर करेंगे तो क्या होगा, उसमें कुछ राउंडिंग एरर आ जाएगी, क्योंकि ये राउंडिंग करेगा फिर डेटा टाइप अपने आप। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपका प्रिसीजन आपको बहुत ज़्यादा रखना है तो आप दूसरे डेटा टाइप पर जाएं, उसके लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन है डबल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो डबल के लिए भी सेम वही एम और डी का मतलब वही है, अगर आपको डबल प्रिसीजन नंबर स्टोर करना है तो यू कैन गो विद दिस डेटा टाइप एंड, और ये आपको हायर रेंज बहुत स्मॉल से लेकर के बहुत लार्ज नंबर आपको स्टोर करने की परमिशन देता है। ओके यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज रेंजेज। देन देयर इज वन मोर ऑप्शन यू आर हैविंग दैट इज फ्लोट पी, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, अगेन आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करना हो तो ये एक ऑप्शन है आपके पास, जनरली इसको बहुत कम लोग यूज करते हैं, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। सो यहाँ पर पी रिप्रेजेंट करता है कि आपका प्रिसीजन कितना होगा बिट का, तो आप पी बता दीजिए, दैट विल रिप्रेजेंट योर प्रिसीजन, ठीक है। सो ये जो पी है एक्चुअली जनरली ये MySQL आपसे प्रिसीजन लेता तो है, लेकिन आप नहीं डिसाइड करेंगे कि ये नंबर फ्लोटिंग पॉइंट के तौर पर स्टोर होगा या डबल प्रिसीजन वाले नंबर, दैट मीन्स डबल के फॉर्म में स्टोर होगा। तो आप जब पी की वैल्यू देंगे, पी की वैल्यू आप 0 से 24 के बीच देंगे तो आपका जो है ना सिंगल प्रिसीजन वाले नंबर के तौर पर यूज करेगा इसे, अगर आप उससे ज़्यादा देंगे तो आपके जो स्टोरेज है उसे डबल प्रिसीजन के तौर पर इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो ये डिसीजन इसमें MySQL खुद लेता है। हाँ अब पी की वैल्यू आपके ऊपर है, आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, और आप सोच रहे हैं कि मेरा नंबर सिंगल प्रिसीजन है आपको लगता है, लेकिन आप पी की वैल्यू दे रहे हैं लेट से 26, तो वो उसे डबल प्रिसीजन के तौर पर स्टोर करेगा, मतलब जो स्टोरेज मैकेनिज्म होगा वो डबल प्रिसीजन वाला होगा, दैट मीन्स ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ स्टोर करेगा आपके नंबर को। ओके सो पी की वैल्यू आपके आप स्पेसिफाई कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली फिर वो अपना प्रिसीजन एडजस्ट करता है।
आप उसे या तो फिर गाइड कर लीजिए, आप पी की वैल्यू बता दीजिए डायरेक्टली, नहीं आप बताएंगे तो वो खुद भी डिसाइड करता है कई बार नंबर देख करके। जो आप शुरू में नंबर्स देंगे उसके बेस पर देखेगा वो सिंगल प्रिसीजन के तौर पर ट्रीटमेंट करना है कॉलम का या डबल प्रिसीजन के तौर पर ट्रीट करना है। ओके ये थोड़ी सी ज़्यादा डीप टेक्निकलिटीज़ हैं, लेकिन आपको इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा जब आप क्रिएट करेंगे, आपका सारा काम बन जाएगा। ठीक है, बट स्टिल यू शुड नो दैट। नाउ ये हो गए आपके जितने भी न्यूमेरिक डेटा टाइप MySQL में अवेलेबल हैं। ओके नाउ हम आते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो जो स्ट्रिंग डेटा टाइप हमने अभी देखे थे वैसे ही वही है। कैरेक्टर एम, ये आपका फिक्स लेंथ स्ट्रिंग हो गया। मैं बता चुका हूँ कैरेक्टर एम का मतलब क्या है। वेर कैर एम आपका वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग हो गया। कैरेक्टर जो कैरेक्टर लेंथ है इसकी लेंथ मैक्सिमम 255 तक होती है। ठीक है, इसमें जो लेंथ है आपकी वेर कैर में 0 से 65,535 कैरेक्टर्स तक की आप स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं मैक्सिमम। दैट मीन्स एम की वैल्यू आप मैक्सिमम इतनी दे सकते हैं। आप जब लेंथ जो स्पेसिफाई करेंगे वो उसी हिसाब से वन लेंथ की वो डेटा साइज कितना लेगा मेमोरी में वो आपकी लेंथ के हिसाब से वो डिसाइड करता है। नाउ लेट्स स्किप दैट। MySQL जो है प्री डिफाइंड कैरेक्टर सेट इस्तेमाल करता है आपके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो है UTF-8। एक कैरेक्टर कोड होता है, इस कोड को वो इस्तेमाल करता है रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर कोड्स अवेलेबल हैं जो आपकी मशीन सपोर्ट करते हैं, या वेबसाइट्स के डिजाइन करने में या डेटा स्टोर करने के लिए मशीन में रिप्रेजेंट करने के लिए मशीन्स कैरेक्टर कोड इस्तेमाल करते हैं। ओके कि वो कैरेक्टर कोड एक्चुअली इनकोडिंग डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर मेमोरी में लेट्स से बाइनरी पैटर्न उसका क्या होगा या कौन कौन से कैरेक्टर सपोर्ट होंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका MySQL UTF-8 कैरेक्टर कोड इस्तेमाल करता है। अगर आप फर्दर इसमें जानना चाहते हैं तो यू कैन गूगल इट व्हाट इज़ UTF-8 कैरेक्टर कोड। तो देर आर लॉट ऑफ कैरेक्टर कोड्स आर देयर। ठीक है, हालांकि MySQL और भी सपोर्ट करता है लेकिन ये उसका डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर कोड है, आप कैरेक्टर कोड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ ए कन्फिगरेबल काइंड ऑफ थिंग। नाउ अगर आपको और ज़्यादा लार्ज साइज का टेक्स्ट स्टोर करना है देन आपके पास ऑप्शन है टिनी BLOB या टिनी टेक्स्ट। ठीक है, तो BLOB का मतलब होता है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। ओके BLOB जो कॉलम है ये जो है उसकी मैक्सिमम लेंथ 255 बाइट होती है एंड ईच वैल्यू इज स्टोर्ड यूजिंग 1 byte लेंथ। ठीक है, सॉरी जो इसमें जो स्टोरेज होता है उसमें जो पहली बाइट होती है वो आपकी जो है वो बताती है लेंथ स्ट्रिंग के। ओके तो ये एक तरीके से वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग सपोर्ट करता है। तो जब आप एक स्ट्रिंग इनपुट देंगे इसमें, ठीक है, जब आप स्ट्रिंग स्टोर कराएंगे तो वो जो स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ है पहले बाइट में स्टोर होगी, बाद में आपकी स्ट्रिंग आएगी। ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम लेंथ होती है आपकी 255 बाइट है, टिनी साइज है ना ये टिनी BLOB। टिनी BLOB और टिनी टेक्स्ट दो अलग अलग साइज हैं, ध्यान रखना। ये इसमें जो डेटा है आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर होता है, इसकी इनकोडिंग टेक्स्ट रहेगी, इसमें आपकी बाइनरी इनकोडिंग होती है, बस इतना अंतर होता है। ओके आपने फाइल एंडिंग अगर सी में पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल दो तरीके की फाइल्स होती हैं, है ना। तो वो बाइनरी और टेक्स्ट क्यों होती हैं, एक में आपका टेक्स्ट सीधे सीधे टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर होता है, तो सीधे टेक्स्ट के फॉर्म में सेव होता है और टेक्स्ट के फॉर्म में ही रीड होता है। दूसरा होता है बाइनरी फॉर्म में रीड राइट होता है। तो वो थोड़ा सा वहाँ का डिफरेंस है, वहीं से ये चीज़ें आई हुई हैं कि टिनी आपका BLOB बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करता है, टिनी टेक्स्ट आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर करता है। ओके देन अगर आपको और थोड़ा सा लार्ज डेटा साइज चाहिए तो आप BLOB यूज कर सकते हैं या टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं। टेक्स्ट में आपकी ज़्यादा लेंथ की स्ट्रिंग आपको स्टोर करना है, सो फॉर एग्जांपल मान लो आपको एक डॉक्यूमेंट स्टोर करना है या एक लेटर स्टोर करना है, जैसे छोटे छोटे स्ट्रिंग्स स्टोर करना है तो आपके पास कैरेक्टर और वेर कैर हैं, लेकिन आपको एक बड़ा टेक्स्ट स्टोर करना है जिसमें किसी ने एक ऐसे लिखा हुआ है, सपोज एक ऐसे स्टोर करना है, तो वो आपके वेर कैर में नहीं जाएगा। तो आप उसके लिए या तो BLOB स्टोर कर सकते हैं या टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं। ओके तो ज़्यादातर केस में बाइनरी BLOB जो है ना इस्तेमाल हम करते हैं बाइनरी डेटा के लिए, हम टेक्स्ट के लिए BLOB बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। ओके
सो बाइनरी डेटा मतलब आपको ऑडियो वीडियो इस टाइप का डेटा यूज करना हो, स्टोर करना हो, तो हम उसके लिए BLOB इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपका जब डेटा टेक्स्ट के फॉर्म में हो, सिंपल टेक्स्ट के फॉर्म में, तो आप टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। सो मैंने दोनों को एक साथ इसलिए लिखा है कि बोथ आर इक्विवेलेंट एक्चुअली, बस केवल अंदर जाकर के मेमोरी में स्टोरेज का अंतर है, बाकी आपको कोई डिफरेंस समझ में नहीं आएगा ज़्यादा, ठीक है। हालांकि यूजेज किस केस में किया जाता है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। जनरली हम BLOB का इस्तेमाल बाइनरी जो डेट फॉर्मेट्स में जो भी डेटा होते हैं हमारे, उनको स्टोर करने के लिए करते हैं। और आप जानते हैं बाइनरी डेटा कौन कौन सा होता है आपका, ठीक है, ऑडियो वीडियो ये सब डेटा आपके बाइनरी फॉर्मेट में होते हैं। तो हम इसे ऐसी चीज़ों को स्टोर करने के लिए BLOB इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपकी एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है जिसमें एक ऐसे है या पोइम है या मान लीजिए कोई लेटर है, इस टाइप की चीज़ें हैं, तो आप उसे टेक्स्ट में स्टोर करेंगे। ओके, ये उसकी लेंथ लिखी हुई है, मैक्सिमम लेंथ कितनी अलाउड है। सो ये कुछ थोड़ा सा मीडियम लेंथ का है, हालांकि इससे आपके ज़्यादातर नीड्स फुलफिल हो जाएंगे। लेकिन आपको ज़्यादा और लार्ज टेक्स्ट स्टोर करना है, लाइक पूरा एक नोवेल स्टोर करना है, पूरा एक नोवेल स्टोर करना है, तो आप मे बी आप मीडियम टेक्स्ट में जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करना है तो मीडियम BLOB यूज कर सकते हैं आप। सो ये इसकी रेंज है कैरेक्टर्स के फॉर्म में, ये बाइट्स में रेंज है, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के फॉर्म में है। और अगर मान लीजिए आपको और ज़्यादा लार्ज टेक्स्ट स्टोर करना है, मान लीजिए आपका नोबेल बहुत ज़्यादा बड़ा है और इतनी साइज में फिक्स नहीं आता है, तो आप लॉन्ग BLOB या लॉन्ग टेक्स्ट पर जा सकते हैं। ओके, सो ये आपको 2^31-1 bytes आपको सपोर्ट करता है। सो 2^32 का मतलब कितना हुआ, आपका टेक्स्ट GB में हो जाएगा। 2^10 का मतलब होता है 1 GB, 2^10 MB होता है, सॉरी 2^10 MB, 1 MB होता है, 2^10 bytes। 4 GB कैसे होगा, 2^10 कितना होता है, 1024 byte, 1024 byte कितना हुआ, सॉरी KB हुआ, ओ सॉरी आई एम रॉन्ग, 2^24 bytes कितना होगा फिर, 2^10 होता है, 2^10 bytes का मतलब होता है 1 KB, है ना, और 1 KB और 2^20 bytes कितना हो जाएगा, 1000 का और गुणा कर दो, 1000 KB, तो 1000 KB मतलब कितना हो गया, 1 MB, हाँ ठीक है आप सही बोल रहे हो, 4 GB होगा, ओके ओके। और देन 2^20 कितना हुआ, 1 MB, और 2^10 मतलब 1000 होता है, तो 1000 MB हो गया 1 GB, सो 2^30 होता है 1 GB, ठीक है, 2^30 byte मतलब 1 GB, और ये 2 और एडिशनल है इसमें, 2^20 है, तो इट्स कम्स अराउंड 4 GB। सो 4 GB की आपकी जो आई थिंक टेक्स्ट फाइल, कोई भी नोवेल या कोई भी जो बुक है वो आराम से इसमें आ जाएगी, कोई भी बुक का साइज, जनरली बुक तो आपकी PDF में होती है तो बहुत और स्मॉल साइज होता है, ठीक है ना, तो 4 GB इज़ अ वेरी वेरी लार्ज साइज, आप मल्टीपल बुक्स एक्चुअली कंबाइंड करके इसमें स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली आप अगर एक बाइनरी फॉर्म में पूरी की पूरी मूवी स्टोर करना चाहें तो 4 GB इज वेरी वेरी मोर देन एनफ। आपकी नाउ डेज अब जो HD मूवी आती है वो HD मूवी आई थिंक 500 से 600 MB में हो जाती है कंप्रेस होकर के, तो 4 GB इज वेरी मच लार्ज, ठीक है। सो अगर आपको फिर भी स्टिल आपको यूज करना है, यू कैन गो फॉर दिस साइज 4 GB। लॉन्ग BLOB इस्तेमाल कर सकते हो मूवी स्टोर करने के लिए, अगर आपको बहुत लार्ज टेक्स्ट फॉर्म में डॉक्यूमेंट है, ऐसा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कैरेक्टर्स इस्तेमाल करने हैं तो आप कर सकते हैं। इवन पूरी की पूरी अगर आप डिक्शनरी बनाएं टेक्स्ट फॉर्मेट में तो वो आराम से इसमें स्टोर हो जाएगी, सारी लैंग्वेजेस की डिक्शनरी आप बना लें और उसको कंबाइंड कर लें, आराम से आई थिंक आई गेस 4 GB में स्टोर हो जाएगी। सो दैट मीन्स यू हैव वेरी वेरी मच लार्ज साइज ऑफ दिस कॉलम। नाउ देयर इज वन मोर कॉलम NM। सो NM जो है आपकी एक प्री डिफाइंड लिस्ट आपको बनाना हो, आप एक कॉलम के लिए प्री डिफाइंड लिस्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेट से आपने एक कॉलम बनाया, उसमें स्पेसिफाई कर दिया कि ये जो है वैल्यूज रहेंगी ABC, तो उस कॉलम में इन तीनों में से कोई एक वैल्यू जाएगी, तो आप एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज या सेट ऑफ वैल्यूज स्पेसिफाई कर सकते हैं।
और उस कॉलम के साथ एनम डेटा टाइप के तौर पर उसे मतलब डिफाइन कर सकते हैं। उस कॉलम का डेटा टाइप आप एनम बना दीजिए और लिस्ट ऑफ वैल्यूज दे दीजिए, तो उस कॉलम में केवल फिर वही तीन वैल्यूज एंटर होंगी, जीरो सॉरी ए बी सी, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं जाएगी। ओके तो ऐसा जो है ना कई कॉलम्स के केस में यूजफुल होता है ये। जैसे मान लीजिए आपको एक टेबल में लेट्स से टीचर्स इंस्ट्रक्टर टेबल है, उसमें ही आपने एक मान लो एक नया कॉलम अज्यूम कर लिया कि हमें डेजिग्नेशन भी स्टोर करनी है, तो इंस्ट्रक्टर है उसके तीन पॉसिबल अज्यूम कर लीजिए डेजिग्नेशन है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। तो आप एनम डिफाइन कर सकते हैं उस कॉलम का डेटा टाइप और उसमें तीनों लिस्ट कर दीजिए, तो वो तीनों में से कोई एक वैल्यू आप एंटर कर पाएंगे। ओके सो जब आपको किसी कॉलम में आपको मालूम है कि इतने सेट में से ही वैल्यू जाने वाली हैं, तो आप उसके लिए एनम डिफाइन कर सकते हैं। ओके नाउ हाँ क्या नेक्स्ट क्लास है? अच्छा ठीक है चलिए, तो ये हो गया हमारा डेटा टाइप। ऐसे ही सिमिलरली एक और डेटा टाइप है सेट, तो सेट में भी हम जो है ना एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं। सो बोथ डेटा टाइप आर सेम, बस सेट में आपकी रेंज कम है वैल्यूज की, केवल 64 डिस्टिंक्ट वैल्यूज हो सकती हैं, एनम में 256 हो सकते हैं। ठीक है ओके सो ये आपके MySQL डेटा टाइप है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ना अब एक्चुअली थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे, मैं सोच रहा था आज हो जाएगा लेकिन हमारे डेटा टाइप में ही ज़्यादा टाइम लग गया। ओके सो आज आप ये डेटा टाइप्स को पढ़ लीजिए, सो नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक्चुअली एक्चुअल डेटाबेस अपना क्रिएट करेंगे। आप तो आप अपने SQL को रेडी रखिए मशीन्स को, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेटाबेस करेंगे। कुछ मैं आपको एक स्क्रिप्ट भी शेयर कर दूंगा पहले से, आप मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा नेक्स्ट क्लास से पहले, सो दैट आई विल शेयर यू द स्क्रिप्ट जिसमें आपका ऑलरेडी जो अवेलेबल डेटाबेस है, बुक में जो डेटाबेस इस्तेमाल हुआ है उसके लिए मेरे पास सेट ऑफ टेबल्स SQL कमांड्स हैं। वो एक्चुअली मेरे पास ओरेकल के लिए थी, ऑथर ओरेकल के लिए प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैंने उसे थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस करना थे और उसको MySQL के लिए कन्वर्ट कर लिया। सो आई विल शेयर देम और फिर आपको बता दूंगा कि कैसे वो डेटाबेस आपको अपलोड करना है अपने मतलब अपना डेटाबेस पॉपुलेट करना है, सो दैट यू विल बी एबल टू वर्क विद दैट डेटाबेस। ओके सो लेट्स क्लोज हियर फॉर टुडे।